में जीते हैं कि मंत्री की पत्नी तो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती, लेकिन एक ऐसा समाज, एक ऐसा देश जहां आज भी अंतर धर्म विवाह को बहुत आसानी से, बहुत सहजता से स्वीकृति नहीं मिलती है, वैसे समाज में इतना पहले रेणु जी ने अंतर धर्म विवाह किया और इतनी दूर विवाह किया, क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो बहुत दूरी है, संस्कृति अलग है, समाज अलग है, रीति रिवाज सब कुछ अलग है, लेकिन प्रेम के कारण इन्होंने यह विवाह किया और प्रेम ही मनुष्य का शाश्वत धर्म है और प्रेम ही मनुष्य की सहज वृत्ति है। रेणु हुसैन जी कवित्री भी हैं और शिक्षक भी हैं और इनके जीवन की जो कहानी है वो किसी उपन्यास से कम नहीं है। तो आज हम लोग बात करेंगे रेणु हुसैन जी से और जानेंगे उनके जीवन को उन्हीं के मुख से। आपका हार्दिक स्वागत है रेणु हुसैन जी। सभी को नमस्कार। आज विभा कुमारी जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। वो काफी पहले से विभा जी से, जिनका ये ग्रुप है, उनसे बहुत मैं उनसे मुतासिर थी, उनसे बातचीत कर रही थी व्हाट्सएप के माध्यम से। हम लोग मिले, एक कार्यक्रम में भी मिले, और मतलब उनके एक्ट, उनका जो काम, उनकी कहानियाँ, उनके बोलने का ढंग, उनकी मतलब हर पर्सनालिटी से मैं काफ़ी मुतासिर रही हूँ। बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे वो। तो हमारी दोस्ती इस तरह से हुई, तो जो व्हाट्सएप वाली दोस्ती है वो आज हम एक बार हम लाइव भी मिले भी और आज इस तरह से भी मिल रहे हैं, तो मुझे, मैं बहुत खुश हूँ आज इस मंच पे आके। हम लोग चाहते हैं कि आप अपनी अब तक की जीवन यात्रा के बारे में हम लोगों को बताएं। बता दूं कि मैं दिल्ली में सरकारी स्कूल में अंग्रेजी की अध्यापिका हूँ और साथ साथ लेखन जो है वो मेरा रुचिकर हमेशा से रहा है, कि उसी में मैं कार्य करती हूँ। तो लेखन के विषय में तो मैंने सबसे पहले लिखना शुरू किया जो कुछ कविताएं, कुछ मुक्तक, और फिर धीरे धीरे कहानियां, फिर कविताएं काफ़ी हुई तो फिर कुछ गीत एक आध लिखा, उसके साथ दोहे लिखे, माहिये लिखे, और अब इधर गज़ल लिखा करती हूँ, कोशिश किया करती हूँ। कहते हैं गज़ल कभी भी एक ऐसी विधा है जो कभी भी कामयाब नहीं हो पाती है, काफ़ी उसमें मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है काम, तो इतनी जल्दी हो नहीं पाता है, तो उसमें बहुत अभ्यास चाहिए होता है। तो वो अभ्यास अभी मेरा जो है वो चालू है, वो मैं करती रहती हूँ, तो लेकिन अच्छा लगता है। और कहानियाँ लिखी, और मेरी ये मैं बता दूँ कि दो कवि काव्य संग्रह पहले आ चुके थे जिनका शीर्षक है पानी प्यार और जैसे। उसके बाद तीसरा काव्य संग्रह जो आया वो है घर की औरतें और चांद। वो लॉकडाउन के बीच में ही आया, इसलिए उस पर अभी उसका विमोचन नहीं हो पाया, और हम इसी इंतज़ार में रहे कि सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर फिजिकली अच्छा सा हो, लेकिन वो अभी तक तो नहीं हो पाया। और उसके साथ एक कहानी संग्रह आया, पहला कहानी संग्रह गुंटी के नाम से। तो ये किताबें अभी तक आ चुकी हैं, और एक एल्बम गज़ल का, गज़ल बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन कुछ उसमें से चुनिंदा गज़ल्स हमने चुनी, जिनको एक सिंगर है शकील अहमद साहब, गज़ल सिंगर है, बहुत अच्छे नामचीन सिंगर हैं, उन्होंने गाया है, और उस एल्बम उसका भी विमोचन, उसका भी जो ओपनिंग है वो उन्हीं है, उसका भी शीर्षक है असर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बस अब समझ लीजिए चल रही हैं। और इसके साथ क्योंकि मैंने पहले लेखन का ही बताना शुरू कर दिया, तो मैं ये भी बताऊं कि अभी जिस किताब पे मैं काम कर रही हूँ काव्य संग्रह पे, वो है यात्राओं पर, एक यात्रा वाली कविताओं पर एक किताब आएगी। काफ़ी उस पर काम हो चुका है, लगभग 80% हो चुका है। तो वो इस तरह से हुआ है कि अभी तक यात्रा वृत्तांत निकलते रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, किताबें लिखी गई हैं, लेकिन यात्राओं पर कविताएं, ये मेरे ख्याल से ये पहली बार आएंगी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में यात्राएं की हैं, काफ़ी की हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन जब एक कवि मन जब यात्रा करता है तो वो उस स्थान को किस तरह से देखता है, वहाँ के इतिहास को, वहाँ की जो उपलब्धियाँ हैं वहाँ को, और उस जगह का जो जो उसके मन पे जो प्रभाव पड़ता है वो मैंने लिखा है। तो चूंकि मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो बचपन से ये जो यात्रा का सिलसिला था ये रहा,
हम एक स्टेशन से एयरफोर्स स्टेशन से दूसरे एयरफोर्स स्टेशन में जाते रहते थे। तो उस समय तो ऐसा नहीं था कि मतलब मैं बहुत बचपन में कविताएं लिखने लगी, लेकिन नवीं कक्षा में मैं लिखने लगी। तो आज वो चीज़ों को जब मैं रिकॉल करती हूँ, याद करती हूँ, तो फिर वो बहुत अच्छी कविताएं भी बनती हैं। और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी यात्रा की, विदेश चाहे देश के जिस कोने में भी गई, तो वहां पे मेरा एक ये अच्छी चीज हो जाती है कि मेरी एक कविता उस स्थान की वो आ जाती है। तो मैंने सोचा इतनी सारी हो गई तो इनका भी एक कलेक्शन होना चाहिए। तो वो मैंने उस तरीके से, ये किताब जो है आने वाली है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। तो और बाकी जीवन की यात्रा, तो भारत की लड़की हूँ, बेटी हूँ, जगह जगह हम लोग, मेरा जो बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है, वो सोनीपत हरियाणा है। उसके बाद पिताजी एयरफोर्स में थे, मैंने बताया ही, तो हम लोग हर जगह पे घूमते रहे। ननिहाल दिल्ली में है, तो इस तरह हम ददिहाल ननिहाल समर वेकेशन में, ग्रीष्मावकाश में आ जाया करते थे। तो इसीलिए जो जो मेरा जो वैसे हम पंजाबी हैं, लेकिन मुझे सब बोलते हैं कि आपकी भाषा पे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि आप पंजाबी हैं या आप हरियाणवी हैं, ऐसा कहीं से नहीं लगता। और वो इसी वजह से है कि क्योंकि हमने वो कहते हैं ना, घाट घाट का पानी पिया है, जगह जगह घूमते रहे। उसके बाद में हम दिल्ली में आके बस गए। और जब विवाह हुआ, तो विवाह हुआ, अब देखिए भारतीय कल्चर, देखिए संस्कृति किस तरह से मिलती है। एक तो अलग अलग स्थानों पे घूमते रहे, भाषाओं का, दूसरी भाषाओं का भी थोड़ा पता चलता रहा, कल्चर का पता चलता रहा। फिर जब विवाह के बाद बिहार की बहू मैं बनी, दिल्ली की बेटी और बिहार की बहू हूँ, तो पति बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं, तो मुझे बिहार के बारे में भी काफी जानकारी हुई। खास करके मैथिल मैथिल जो क्षेत्र है, कोसी आंचल जिसे कहते हैं, वो पति जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, ये सब मेरे ससुराल के इलाके हैं। तो बिहार भी काफी भ्रमण हो गया, तो बिहार को भी काफी जाना। शादी से पहले बिहार को नहीं जाना था बिल्कुल भी, लेकिन शादी के बाद अब जब बहू बन गए तो बिहार को भी जाना। बहुत मीठी मैथिली भाषा होती है, भोजपुरी भाषा है, बहुत प्यारी मीठी सी भाषा है, तो वो जाना। तो फिर कविताओं पर भी भाषा का असर पड़ता है। तो चूंकि एक मैंने मुसलमान परिवार में शादी की है, तो गजल की तरफ रुझान भी हुआ। प्लस जो शब्दावली होती है, उसमें बहुत सारे उर्दू शब्द, अरबी फारसी के शब्द उसमें आ गए, जो अब लेखन में दिखाई देते हैं, जो हम यूज तो कर रहे होते हैं रोज, हमें मालूम नहीं होता, जब लिखने लगते हैं तो वो आ ही जाता है। तो अब जब मैं अपनी पहली किताब और अपनी तीसरी किताब को देखती हूँ, तो मुझे इतना बहुत भारी अंतर दिखाई देता है कि उसकी जो शब्दावली है वो बिल्कुल हिंदी वाली है। अभी हिंदी में अभी भी बहुत अच्छी कविताएं लिखती हूँ, कभी कभी तो बिल्कुल ठेस ठोट जो होता है ना, एकदम वैसे ही शब्द निकलते हैं। और अक्सर फिर नज्में भी लिखी जाती हैं, नज्में भी ज्यादा लिखी जाती हैं, क्योंकि जो जो हम भाषा यूज कर रहे हैं, जिस वातावरण में हम हैं, तो ये इससे भाषा और साहित्य जो होता है ना, वो पनपता है, वो अच्छा होता है, सुदृढ़ होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अलग अलग संस्कृतियों में जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, उनको अपनाते हैं, तब हमारे जो साहित्य है वो सुदृढ़ होता है, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे ही आपने कहा कि मिथिला में आपका ससुराल है, तो मेरे मन में यह बात आई कि फिर तो आप हमारी भौजाई हो गई। इतने में विभा रानी दीदी ने लिख दिया कि फिर तो आप हमारी भौजाई हो गई। निश्चित है कि आपने भाषा और संस्कृति और क्षेत्र का बहुत अच्छा अनुभव आपने अपने जीवन में किया है, क्योंकि एक तो पिताजी एयरफोर्स में थे और दूसरे आपका विवाह भी दूसरे धर्म में, अंतर धर्म और अंतर राज्य, तो बहुत कुछ परिवर्तन आपने देखा होगा। हम इन परिवर्तनों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे चुनौतियों पर। लेकिन जब आपका विवाह हुआ होगा, तब कितनी समस्याएं थी, कितनी चुनौतियां थी, कितनी सीमाएं थी, क्या कठिनाइयां आए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मैंने तो बहुत आसानी से बता दिया कि हाँ, विवाह हुआ है मुस्लिम परिवार में, लेकिन उस समय ऐसा वो नहीं था। उस समय तो प्रॉब्लम थी, आप जानते हैं, मैं एक ब्राह्मण परिवार से आती हूँ, और इनका बिल्कुल मतलब मुस्लिम मतलब बिल्कुल अलग वो हो गया, तो घर में थोड़ा वो होता ही है, बहुत ही बिल्कुल नेचुरल सामान्य सी बात है ये कि ऐसा होना ही होता है
कि वो लोग विरोध करें और ये कहें कि तुम किस तरह से एक इस परिवार में जन्मी हो, तुम किस तरह से उधर रहोगी, वहाँ के अलग बिल्कुल रीति रिवाज और मान्यताएं और बहुत कुछ होती हैं, तो वो कैसे होगा। मुझे एक बात ये अच्छी थी मेरे माता पिता में कि मेरे पिताजी बहुत एडवांस और ओपन ख्यालात के थे, माँ भी वैसी ही थी, माँ भी वैसी ही है, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा ये नहीं था क्योंकि हम लोग बाहर बहुत रह चुके थे, तो हमारे लिए बहुत हम किसी गांव में और किसी ऐसी जगह पे नहीं रहते थे कि बहुत प्रॉब्लम हो। हरियाणा में हम इतने रहते भी नहीं थे, हरियाणा में तो अब तक भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस तरह से। लेकिन मुझे बाद में शादी के बाद मुझे लगा कि मैंने मतलब मैं खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसे परिवार में जन्मी कि जहाँ मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, समझाना पड़ा, तो समझाना तो था ही बहुत ज्यादा, और कुछ बाकी मेरे ससुराल में बहुत मेरा स्वागत किया गया, बहुत मेरी मेरी सासू माँ जो थी वो एक बहुत ही उम्दा औरत थी, बहुत अच्छी महिला थी, और मेरे फादर इन लॉ मेरे ससुर साहब बहुत अच्छे थे, वो भी टीचर थे, तो उन लोगों को था कि ये टीचर हमारे घर में बहू आ रही है। ससुराल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई और बहुत स्वागत किया गया मेरा, बहुत तहे दिल से मुझे मानते थे वो। मेरे सास ससुर अभी इस दुनिया में नहीं है लेकिन मैं हमेशा ही उनको बहुत ज्यादा, उनके बच्चों से ज्यादा मैं ही मिस करती हूँ उनको, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा स्नेह दिया, ज्यादा प्यार किया। मेरी सासू माँ एक बात बोलती थी कि बेटा तुम जो है वो सब छोड़कर आई हो, तो आज के बाद हम तुम्हारे माँ बाप हैं और ये जो देवर ननद हैं छोटे, ये सब तुम्हारे भाई बहन हैं। तो उन्होंने मुझे इतना ज्यादा स्नेह दिया कि वो बहुत मतलब कभी मैं मतलब उनको कभी भी अपनी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है मैं हमेशा जिंदगी पर उन्हें मिस ही करती रहूंगी, वो हमेशा ही मुझे याद रहती हैं, रोज याद रहती हैं, रोज याद आती हैं। और मेरी बदनसीबी थी कि वो जल्दी चली गई, तो फादर इन लॉ भी अब नहीं है लेकिन घर परिवार पूरा वो छोड़ के गए, क्योंकि मैं पहली बड़ी बहू थी तो उस हिसाब से घर को चलाना होता था, सब चलता था। और एक शब्द चल गया है लव जिहाद, कि जब भी कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से विवाह करती है तो उसे लव जिहाद कह दिया जाता है और उसे बहुत ही गलत दृष्टि से देखा जाता है, तो आपकी उस पर क्या जी, राय इस है? पर आपने सही सवाल पूछा, क्योंकि ये अभी का जो है ना ज्वलंत प्रश्न चल रहा है आजकल, जबकि जिस वक्त हमने विवाह किया था उस समय ऐसा ऐसा कुछ नहीं था, लव जिहाद वर्ड नहीं था, शब्द नहीं था ये कह सकती हूँ मैं, लेकिन घर में ठीक है थोड़ा बहुत हुआ उसके बाद सब ठीक है, लेकिन जब एक बार विवाह हो गया तो मेरे मेरे माता पिता ने भी उसको स्वीकार कर लिया कि अब हो गया है, तो अब जो है जब बेटी को यहीं रहना है, उसको यहीं अच्छा लग रहा है, या जो जो लड़का पसंद किया है, मेरे पति को मेरे मेरे मायके वाले बहुत ज्यादा पसंद करते थे शुरू से ही, विवाह से पहले भी, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे इंसान है। बस एक ही वो था कि ठीक है मुस्लिम है, बाकी कहते हैं इंसान बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है, तो एक ये एक प्लस पॉइंट था। दूसरा, आपने जो लव जिहाद की बात की, तो मैं कहीं पर भी मुझसे कोई पूछता है तो मैं ये मेरा तो जवाब यही होता है कि देखिए जहाँ लव है वहाँ जिहाद नहीं हो सकता, और जहाँ जिहाद है वहाँ लव नहीं हो सकता, ये दोनों वर्ड एक साथ कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि जब आपका प्रेम चल रहा है तो वहाँ लड़ाई क्या, वहाँ जिहाद कैसे हो सकता है। और दूसरा, मेरे घर में मुझे किसी ने, यहाँ तक कि मेरे पति ने सबसे पहले तो कभी मुझे धर्म के मामले में कोई कोई मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं दिया, कोई ऐसा कुछ जबरदस्ती वो नहीं की, कुछ भी नहीं कहा, मैं अपने हिसाब से चलती हूँ, वो अपने हिसाब से चलते हैं, यही तो लव का मतलब ही यही है कि आप दोनों आजाद ख्याल के दो लोग हैं और दोनों साथ रहना चाहते हैं, उसके बीच में हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मेरे मेरे जो सासू ससुर थे उन्होंने ही कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ये, यहाँ तक कि मेरा नाम तक नहीं उन्होंने चेंज किया, कुछ नहीं, वो कहते थे तुम हमें ऐसे की ऐसे स्वीकार हो क्योंकि तुम अच्छी लगती हो, अच्छी लड़की हो, यही मेरे पति भी कहते थे, बस ये लड़की अच्छी है घर में अच्छे से रहेगी और हमें से कुछ भी नहीं चाहिए, तो मुझे अच्छा लगता है। तो वो उन्होंने मुझे कभी हमारे ऊपर हमारे बीच में कभी धर्म आया ही नहीं, हमेशा प्रेम ही रहा, धर्म की कोई बात ही नहीं थी। इनका ये कहना होता है हमेशा कि धर्म आपकी एक पर्सनल चीज है, आप मन में किस ईश्वर को मानते हो, किसको मानते हो, कौन आपके मन के अंदर झांक रहा है,
और कौन आपकी पूजा स्वीकार करता है वो भी तो ईश्वर और आपके बीच की बात है, आप दोनों के बीच की है। कि कोई भी व्यक्ति जब पूजा करता है तो ये उसके और उसके ईश्वर के बीच की बात होती है, तीसरा तो कोई होता नहीं। और अगर तीसरे कोई आ जाए बीच में, इसका मतलब आपकी पूजा बीच में भंग हो गई। तो वो तो ये कहते थे कि नहीं, तुम इतनी शिद्दत से पूजा करती हो ना, मैं बहुत ज्यादा पूजा करने वाली लड़की थी हमेशा ही, अब भी बहुत ज्यादा ईश्वर को मतलब बहुत ज्यादा मानती हूँ मैं। तो ये कहते थे कि जो है ना तुम्हारा विश्वास, ये बहुत अच्छा लगता है, यही प्रेम है, यही प्रेम है। अगर तुम्हें ईश्वर से प्रेम है, मुझसे प्रेम है, तो इसका मतलब तुम एक इंसान हो सही, और सही इंसान होने के लिए आपको मतलब ऐसा ही होना चाहिए। जिसको अगर अपने ईश्वर पे ही जिसे विश्वास नहीं है, वो इंसानों पे कैसे विश्वास करे। मनुष्य की जो सहज वृत्ति है वो प्रेम ही है, और हर धर्म प्रेम का ही पाठ सिखाता है। फिर पता नहीं कहाँ से नफरत के बीज उत्पन्न हो जाते हैं कि यह जो अच्छा लड़का है जिसकी तुम बात कर रही हो, इससे मुलाकात कैसे और कब हुई। अभी अगर इनसे पूछते हैं कि आपकी मुलाकात कैसी, तो ये कहते हैं देखिए अब जो है ना हमारे बच्चे खुद 25 साल के हो गए, बेटा मेरा बड़ा वाला 25 का हो गया, छोटा 23 का हो गया। तो कहते हैं अब भाई अब ऐसा है, अब छोड़ दो अपनी प्रेम कहानी, अब जो है बच्चों की प्रेम कहानी चलने दो, उनकी चल रही होगी, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम अपनी प्रेम कहानी में लगी हो। मैंने कहा भाई देखिए हम तो अपनी प्रेम कहानी में लगे रहेंगे, उनको उनको अपनी प्रेम कहानी में लगे रहने दो, वही वो जिससे प्रेम करते हैं। हमने कहा भाई हमें वो स्वीकार है, जब जब भी होगी वो जब जैसा बताएंगे। तो बाकी रही बात की इनसे मुलाकात की, तो ये दिल्ली में आए थे पढ़ने के लिए, पूसा इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की थी इन्होंने, और वहाँ पढ़ने आए, और मैं स्कूल में थी तब। तो उस समय इन्होंने, ये हमारे घर के आसपास पीजी में रहते थे, जो बॉयज आते हैं बिहार से पढ़ने के लिए, कमरा लेके सब रहते हैं, तो उसी तरह से रहा करते थे। तो उस समय इनकी मुलाकात मुझसे हुई, और इन्होंने ही मतलब देखा, इन्होंने कहा कि मतलब तब ये कहते हैं मुझे मालूम नहीं था कि तुम कौन हो, तुम सिख हो, पंजाबी हो, कि यूपी की हो, कि कहाँ की हो, कुछ नहीं पता था, बस तुम्हें देखा था और तभी सोचा था कि ये लड़की जो है इससे हम विवाह करेंगे, इसको अपनी पत्नी बनाएंगे। तो बाद में पता लगा तुम कौन हो, तुम पंडित हो कि नहीं हो, जो भी हो। तो मैंने कहा अच्छा आपने पहले कैसे सोच लिया, कहते हैं बस मन में आया कि बस अच्छी लगी, यही तो बात है। क्योंकि जब प्रेम होता है वो ये देखता ही नहीं है कि आप कौन हो, क्या हो, अमीर हो कि गरीब हो, मतलब कुछ नहीं मालूम था, सब ठीक था। फिर बाद में जब मुझसे दोस्ती हुई, फिर इन्होंने अब दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फिर दोस्ती हुई, और दोस्ती सिर्फ मुझसे नहीं, मेरे पूरे परिवार से दोस्ती हो गई थी इनकी। तो ये आते थे बहुत अच्छे तरीके से घर में बातचीत करते थे, तो फिर धीरे धीरे ये हुआ कि नहीं ये अच्छा लड़का है। बस वहाँ माता पिता को भी पसंद थे, उनको बस एक ही प्रॉब्लम थी कि भाई ओ अब तुम तो मतलब शर्मा हो, पंडित हो, तुम कैसे रहोगी इन लोगों के साथ, ये लोग मुस्लिम हैं। क्योंकि माँ बाप को जो होती है प्रॉब्लम, चिंता होती है बेटी की, तो होती है, तो वो बस वही बात थी, और कोई उनको नहीं था। उनको भी था कि इंजीनियरिंग कर लिया लड़के ने, इंजीनियर बन जाएगा, अच्छी जॉब वॉब करेगा, और जॉब करते भी थे, और हमारी लड़की की भी अब जॉब लग गई है, तो मतलब ठीक है, बस एक यही एक बात थी। फिर उसके बाद वो भी ठीक हो गई। यानी प्रथम दृष्टि में प्रेम होने जैसी कुछ बात थी, तो ये तो बात हुई उनकी तरफ से, आपकी तरफ से कैसे शुरुआत हुई और आपने उनके प्रेम को कैसे स्वीकार किया और कैसे इतना बड़ा निर्णय ले लिया। एक ऐसे समाज में हम लोग हैं जहाँ पर अंतर जातीय विवाह को भी बहुत सहज स्वीकृति आज भी नहीं मिलती है, और अंतर धर्म विवाह को तो और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जी निर्णय लेने में तो बहुत साल लग गए, हमारा जो कोर्टशिप चली वो 9 साल चली। तो पता नहीं किसी तरह, मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं फिल्मी सीन की तरह ये हमारी कहानी चलती रही। आते जाते थे, जैसे इन्हें इन्हें एक बार चोट लगी, तो हमारे गली में ही वहाँ पे खेल रहे थे, जैसे खेलते हैं शाम को बैडमिंटन वगैरह, तो ये लोग भी खेलते थे, हम लोग भी ऐसे बैठे रहते थे। तो अपना उस समय मम्मी सब लोग होते थे, मम्मी लोग सब लोग होते थे, तो इनको चोट लगी, तो अब उसी समय क्या लेके आए जल्दी से बांधे, तो मैंने अपना पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैंने अपना दुपट्टा फाड़ करके इनके पैर में बांध दिया। तो मेरी मम्मी ने कहा कि तुमको और कुछ नहीं मिला, तो मैंने कहा मम्मी अभी तो कुछ दिख नहीं रहा था तो मैंने बांध दिया। तो कहती अच्छा कोई बात नहीं। तो वो बाद में, और
हमें मालूम ही नहीं था कि ये मतलब घर जाके तो वो उसको संभाल के रखा इन्होंने, अरे ये तो उसका दुपट्टा है, ये उसने मुझे ऐसे बांध दिया, मैंने तो अनजाने में बांध दिया था। तो लेकिन इनको मतलब कुछ ऐसे ऐसे सीन हो जाते थे हम लोगों के बीच में कि बाद में लगता था अरे ये क्या हुआ, ये कैसे, ये मैंने कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया। तो कहते थे पता नहीं इस तरह से जुड़ते गए, और बस फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उन्होंने मुझे कार्ड दिया, फिर जैसे उस समय तो मोबाइल तो होते नहीं थे, तो लेकिन उस समय का एक अपना मजा था कि उस समय पत्र पत्राचार चलता था पत्र भेजे जाते थे, चिट्ठियां छोटी छोटी भेजी जाती थी, और बीच में बहुत सारे लोग उसमें जुड़े होते थे कि वो वाया किसके आएगी और क्या होगा। तो और मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा वो मजा थोड़ी ना है आजकल, आजकल तो मतलब व्हाट्सएप का जमाना है, आप मोबाइल इंस्टा ये वो बात जो है ना, वो मजा जो पत्रों में आता था वो अभी वाले में मजा नहीं है, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट करके पता नहीं कितनों को भेज सकते हैं। और उस समय क्या होता था कि वो हाथ से लिखा हुआ, मतलब बिल्कुल दिल से लिखा हुआ वो पहुंचता था, कि कागज भी स्याही भी अपनी अपने विचार भी अपने, तो वो लेटर्स बहुत अच्छा लगता था। एक 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 पूरा जमाना ऐसा चल रहा था, अच्छा लग रहा था। हैं आपकी आंखों वाला किस्सा क्या था, बस में से या बस में देखा था आपको, फिल्मी स्टाइल में कसमें खाई थी, तो उस पर सुनना चाह रहे हैं आपके मुंह से। एक बार क्या हुआ, वो मेरे रोज पीछे आते थे जब मैं स्कूल जाती थी, तो जो DTC बस है अपना दिल्ली में चलती है, उसमें वो बस जो है जनकपुरी तक चलती थी, और अक्सर वो उस बस में हमारे पीछे चले भी जाते थे, उतरते भी थे और वापस भी आ जाते थे। हमें मालूम नहीं होता था, हम भाई बहन सब जाते थे, हमें पता नहीं होता था कि कौन चल रहा, पर वो उन्होंने बाद में बताया कि मैं तुम्हारे पीछे इस तरह से बस में आता था। और कभी कभी क्या होता था कि सीट वो पहले से सीट ले करके रखते थे कि ये आएगी दौड़ते हुए, मैं बहुत लेट होती थी, हमेशा लेट रहती थी, तो ये भागते हुए चढ़ेंगे ये सारे भाई बहन और ये सीट वीट मिलेगी नहीं। तो उस समय वो क्या करते थे, खुद खड़े हो जाते थे जो सीट इन्होंने रखी होती थी और मुझे बैठा दिया करते थे, तो ऐसे इशारा करते थे कि यहाँ पे सीट है, तो हम जाके बैठ जाते थे। तो और कभी कभी क्या होता था, मैं उनके साथ ही बैठ जाती थी और मैं आराम से उतर जाती थी, तो मतलब और क्लास फेलोज भी साथ होते थे मतलब हमें कुछ नहीं मालूम, मतलब बस सीट मिल गई ना बैठ जाओ। तो एक रोज, अब मुझे ये लगता था कि ये मतलब रोज बैठे होते हैं और रोज मुझे सीट भी मिल जाती, ये रोज मतलब। और फिर जब हमारे घर घर में आए, जब गली में से निकले, तो मैंने कहा आप ही हैं, तो कहते हैं हाँ। तो अब वो बाद में बोलते हैं मैं तो तुम्हारे लिए रोज, मैंने बाद में पूछा भी आप इधर किधर जाते हैं, तो कहते हैं मैं कहीं नहीं जाता। तो मैंने कहा फिर, कहते बस यहाँ स्टॉप पे मैं भी उतर जाता हूँ, फिर आप स्कूल जाती हैं और फिर मैं वापस जाता हूँ, फिर 3 बजे फिर वहीं खड़े मतलब मैंने कहा आप फिर कॉलेज ये वो, कहते नहीं मैं कर लेता हूँ तब तक, बट मुझे यहाँ पे जो मेरा जो एक जैसे आते हैं ना मंदिर में एकदम नियम होता है कि यहाँ पहुंचना है, तो वो वहां खड़े मिलते थे मुझे, मैं सोचती थी कमाल है। तो फिर बाद में पता लगा कि भैया ये तो बंदा मतलब रोज ही आ रहा है। विभारानी दी पूछ रही हैं कि आपके दूल्हे साहब करते क्या हैं और क्या नाम है। सबको पता ही है मोस्टली, सैयद शाहनवाज हुसैन मेरे पति का नाम है। हम जब हमारी दोस्ती हो गई और हम कहीं मिलने लगे, डेट पे जाने लगे यूं कह लीजिए, तो एक बार मुझे मुझे घर लौटना होता था एकदम समय पर, क्योंकि वो एक है ना मतलब पेरेंट्स का एक होता है कि लड़की को शाम से पहले घर पहुंचना ही है, अंधेरा नहीं होना चाहिए, 4 बज गए 5 बज गए बस घर पहुंच जाओ, उसके बाद हम लेट नहीं हो सकते। तो मेरी हाथ पांव फूलने लगते थे कि अरे मैं तो बहुत लेट हो गई। तो क्या हुआ कि एक रैली निकल रही थी और हमारी बस नहीं आ पा रही थी, क्योंकि वो रेड लाइट पे मतलब जाम कर रखा था उन लोगों ने, रैली ने। तो मैंने कहा क्या ये इनके मजे हैं ये नेताओं के, जब मर्जी जहां मर्जी जाम कर देते हैं, बताओ हमें निकलना है ऐसे वैसे। कहते हैं तो ये क्या बड़ी चीज है, मैं भी जाम कर सकता हूँ। मैंने कहा आप कैसे जाम कर सकते हैं, कहते हैं मैं कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हारी गली में पोस्टर लगवा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मैंने कहा आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं, कहते नहीं मैं करके दिखा सकता हूँ। तो पता नहीं ऐसे ही मैंने बोल दिया और इन्होंने बिल्कुल उसे सीरियस ले लिया, और फिर सच में अपने एक एक समिति बनाई, बिहार जन संघर्ष समिति, इनकी पहली जो समिति एक बनाई बिहार, उसका नाम भी रखा बिहार जन संघर्ष समिति। तो उत्तम नगर में सारे रिक्शे वालों को मिला के और
और सारे जो मजदूर लोग काम करते थे उनके जो है ना उनके संघर्ष की कहानी, और मैं तुम्हारे लिए इंसाफ दिलाऊंगा ये वो, इस तरह बन के नेता बन गए। और पोस्टर वोस्टर पूरे मेरे 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 घर के सामने में 3-4 पोस्टर लगवा दिए। तो जब हमने दरवाजा खोला, हमने कहा अरे, तो और मेरी मम्मी ने भी देखा, अरे ये तो वो हैं जो हमारे घर आते हैं और उनके पोस्टर लगे। तो फिर आए तो कहते हैं तुमने कहा था पोस्टर लगवाने, तो हमने लगवा दी। मैंने कहा अरे कैसे कर दिया आपने, मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि एक लड़का ऐसे कैसे कर सकता है, ये तो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। तो इस तरह से वो कई बातें बोलते थे। मैं एक दिन तुम्हें लाल किले के ऊपर है ना ऊपर मैं बैठाऊंगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है, मैं भी ऐसे कर, ओके ठीक है, लंबी लंबी छोड़ो कोई बात नहीं, मैं चांद सितारे ला दूंगा, ऐसे लड़के बोलते हैं। तो कहते नहीं मैं सच में बैठाऊंगा तुमको लाल किले के ऊपर। और बाद में सच में कई सालों बाद जब ये मंत्री बने तो हम लाल किले के ऊपर 15 अगस्त पे बैठे, तो उस समय उन्होंने मुझे बोला मैंने तुम्हें एक दिन कहा था। तो मैंने कहा हाँ अब तो मैं तो भूल भी गई, कितने साल हो गए लेकिन आपने कर दिखाया। कहते तो भाई मेरी जो मेरा जो ड्रीम है, एक एक सपना था कि तुमसे शादी, दूसरा सपना पॉलिटिक्स में मुझे कुछ जगह हासिल करना। तो ये दो मेरी चीजें थी जो मैं मतलब अभी इसी में लगा हुआ हूँ, या तुमसे तो शादी हो गई, अब पॉलिटिक्स में लगा हुआ हूँ। तो मैंने कहा नहीं बिल्कुल आप कीजिए, मुझे भी आपसे शादी करनी थी, उसके बाद नौकरी है तो ठीक है, घर चल रहा है, मुझे भी आप ऐसा। दोनों का अपना वजूद है। आज वो मंत्री के पद पर हैं, तो आमतौर पर ऐसा होता है और देखा भी जाता है कि पति यदि मंत्री हो गया तो पति मंत्रानी बन के बैठ जाती है। लेकिन आपने अपना जो टीचिंग का आपका प्रोफेशन है उसको आपने बरकरार रखा है, उसको आपने रोका नहीं है, और आज भी आपकी अपनी एक पहचान है, अपने छात्रों के बीच में आप एक टीचर के रूप में जानी जाती हैं, सोसाइटी में भी आपकी अपनी एक पहचान है, लेखक के रूप में, शिक्षक के रूप में। तो इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो आप दोनों की अपनी अपनी अस्मिता है उस पर थोड़ी सी बात करेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जब ये मंत्री बने और इनको अटल जी की सरकार में इनको बिल्कुल यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, यंगेस्ट एवर, तो सबसे पहले इनको फूड प्रोसेसिंग विभाग मिला। तो उसके बाद से इनको उसी कार्यकाल में इनको 6 मिनिस्टरीज मिली, 6 मिनिस्टर उसके ये मिनिस्टर रहे विभागों के। उस समय इन्होंने मुझे बोला कि अब तो कोई जरूरत नहीं है तुम्हें काम करने की, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम आराम भी कर सकती हो, और मिनिस्टर की वाइफ हो तो क्या स्कूल में क्या जाना। और मैं एमसीडी स्कूल में, तो मतलब 5वीं तक जो प्राइमरी स्कूल होता है उसमें मैं पढ़ाती थी। तो फिर मगर मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कहा देखिए मैंने दो ही चीजें अपनी इतनी मेहनत से संघर्ष के बाद, क्योंकि नौकरी बड़ी संघर्ष से मिली मुझे, संघर्ष का मतलब उस समय जो एसएससी की परीक्षाएं होती थी, रिटन एग्जाम निकाला, इंटरव्यू निकाला, और वो सब के बाद पूरे मतलब थ्रू प्रॉपर प्रोसेस के बाद मुझे नौकरी मिली। और उस नौकरी की मतलब जो वैल्यू है मेरे मन में बिल्कुल कभी घट नहीं सकती, क्योंकि आप जानते हैं मिडिल क्लास की क्लास में अगर एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मेरे फादर इतने खुश होते थे कि ये जो मेरी बेटी है ना, ये मेरा बेटा बन गई है, और पूरा घर मतलब देख भी रही है, और नौकरी मिल गई है इसको, मतलब बहुत बहुत हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत सम्मान की बात थी। तो और इधर ससुराल में भी बहुत बड़ी बात थी कि भाई नहीं, बहू अब जो है सरकारी नौकरी करती है और वो भी टीचिंग करती है। तो मतलब बहुत, मैंने कहा इसे मैं इस तरह से नहीं छोड़ सकती, एक एक आपको मैंने पाया है 94 में और एक अपनी नौकरी पाई है 94 में, मैं इन दोनों चीजों को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो ये नौकरी मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरा पैशन है, मुझे बहुत पसंद है किताबों से जुड़े रहना, बच्चों से जुड़े रहना। रेणु जी आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि पति यदि थोड़ी अच्छी स्थिति में पहुंच जाए तो लड़कियां तुरंत ही अपनी नौकरी से रिजाइन दे देती हैं और अपने कैरियर को वहीं पर ब्रेक दे देती हैं, उन्हें ये लगता है कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि स्त्रियों को भी अपने कैरियर को यूं नहीं बीच में छोड़ना चाहिए, और जो बात आपने कही कि परीक्षा पास करके और साक्षात्कार दे करके बहुत मेहनत से एक नौकरी हासिल होती है और समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, तो हमें उसे बरकरार रखना चाहिए और अपनी जो हमारी खुद की हासिल की हुई नौकरी है उसको हमें जरूर करना चाहिए। तो आपके लेखन, आपके शिक्षण और आपके प्रेम के बारे में जो आज हम लोगों ने जाना सुना, आपके विचारों से हम लोग अवगत हो सके, बहुत ही खुशी हो रही है। इसी बीच चाहेंगे कि आप अपने कुछ रचनाएं भी प्रस्तुत करें। कि मैंने अम्मी जान का जिक्र किया है, अपनी सासू माँ का, जिनको मैं सच में बहुत ज्यादा मानती थी, मेरी किताबों में उनकी कविताएं भी आई हैं। तो अम्मी जान एक एक याद, आज वो नहीं है लेकिन हमेशा मैं
उनके आशीर्वाद को हमेशा अपने आसपास महसूस करती हूँ, उनको अपने आसपास महसूस करती हूँ। तो मैं उनके बारे में ये कविता जरूर यहाँ पढ़ देना चाहती हूँ। एक नज्म है ये, अम्मी जान। ये सुपौल के घर के बारे में है, जो जिस घर में अम्मी रहती थी और अब वो घर किस तरह से दिखता है, या उनके बगैर वो क्या क्या स्थिति है, वो बताना चाहती हूँ मैं इस कविता में। उस घर में हम नहीं रहते, एक औरत रहती है। उस घर में हम नहीं रहते, एक औरत रहती है। महकता है आंगन, एक खुशबू रहती है। दर दीवार, झाड़ फानूस, पर्दे, जीना, दालान, बरामदे, संदूक और अलमारियां। दर दीवार, झाड़ फानूस, पर्दे, जीना, दालान, बरामदे, संदूक और अलमारियां जिंदा रहते हैं। एक दुआ रहती है। उस घर में हम नहीं रहते, एक औरत रहती है। और अम्मी किस तरह से वहां पे छाई रहती हैं, देखिए। गर्दिशों की आंधियों में, झकझोर तूफानों में, गिरती बिजलियों में और तेज हवाओं में, उनकी मजार पे दिए जलते हैं। एक रोशनी रहती है। उस घर में हम नहीं रहते, एक औरत रहती है। और सुकून की सांस लेते हैं, चंद लम्हे पनाह लेते हैं, उसकी ठंडी देहरी पर जब मुसाफिर रुकते हैं, अपने आंचल से हवा करती है, वो सरमाया रहती है। उस घर में हम नहीं रहते, एक औरत रहती है। और किस तरह से उनका तस्किरा मैं करती हूँ। लबों पे आयत, पाकीज़ा सीरत, दस्ते दुआएं, पोशीदाए दुनिया। लबों पे आयत, पाकीज़ा सीरत, दस्ते दुआएं, पोशीदाए दुनिया। इबादत में मशगूल वहाँ एक बुजुर्ग रहती है। उस घर में हम नहीं रहते, एक औरत रहती है। तो ये लंबी नज्म है, लेकिन मैंने चंद पंक्तियां इसकी सुना दी आपको। कृपया कुछ छूने वाली रचना। सच बताऊं तो रेणु जी, मुझे पता भी नहीं था कि आप शाहनवाज हुसैन की पत्नी हैं। मैं तो ये जानती थी कि ये कोई दूसरी रेणु हुसैन होंगी, और दुनिया में कितने ही हुसैन होंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके और बातचीत करके, और आपके जीवन की सरलता देख करके, आपके विचारों की सादगी देख करके, और आपका प्रेम देख करके, आपकी रचनात्मकता देख करके बहुत ही प्रभावित हुई। इसके साथ ही हम लोग विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव का कोई भी आर्थिक आधार नहीं है, इसलिए बाय मियर कॉफी लिंक पर जाकर कम से कम एक और अधिक से अधिक जितनी भी आप चाहें कॉफी अवश्य खरीदें और बड़ी बिंदी को सहयोग करें। नमस्कार, धन्यवाद।